हमारी सेलर सेंट्रल अकाउंट को कॉन्फ़िगर करने की ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। बधाई हो, अब आप एक अमेज़न सेलर हैं। आपका अगला स्टेप है अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट को कॉन्फ़िगर करना। आपका अकाउंट कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स और रजिस्ट्रेशन जानकारी के साथ बनाया गया था, लेकिन आपको अपनी सेटिंग्स को एक बार दोबारा देखना चाहिए और अमेज़न पर सेलिंग की एक अच्छी शुरुआत करने के लिए बकाया जानकारी को भी पूरा करना चाहिए। आइए देखते हैं कि सेलर सेंट्रल अकाउंट के हर पार्ट को कैसे कॉन्फ़िगर करें। सेलर सेंट्रल में साइन इन करने के बाद गियर या सेटिंग्स आइकन पर जाएं और अपनी अकाउंट सेटिंग्स और जानकारी तक पहुंचें। अपने अकाउंट की जानकारी तक पहुंचने के लिए अकाउंट की जानकारी पर क्लिक करें। फिर आपकी सेलर प्रोफाइल पर क्लिक करके अपनी पब्लिक सेलर प्रोफाइल को देख सकते हैं और उसमें बदलाव कर सकते हैं। ये प्रोफाइल हर उस देश के अमेज़न मार्केटप्लेस में दिखाई पड़ती है जहां भी आप बिक्री करते हैं। आपकी पब्लिक सेलर प्रोफाइल में आपके बिजनेस का नाम लिखा होता है जो आपके हर ऑफर में दिखाई देता है। अगर आपने अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री में एनरोल्ड ब्रांड के लिए एक मार्केटप्लेस बनाया है तो इसमें आपके अमेज़न मार्केटप्लेस का लिंक भी शामिल होगा। आपके मार्केटप्लेस का लिंक आपके ब्रांड से जुड़े प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट डिटेल पेजेस के साथ साथ अन्य जगहों पर भी दिखाई देता है। आपकी सेलर प्रोफाइल में वो ईमेल एड्रेस और फोन नंबर भी शामिल होते हैं जिनका इस्तेमाल आप कस्टमर सर्विस के लिए करते हैं। ध्यान रखें कि ये डिटेल्स हमेशा चालू रहें ताकि आप कस्टमर्स की पूछताछ का जल्द से जल्द जवाब दे सकें। अगर आपको कभी भी अपनी सभी अमेज़न लिस्टिंग्स को कुछ टाइम के लिए बंद करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप सेलर अकाउंट की जानकारी पेज पर जाकर छुट्टी पर जा रहे हैं पर क्लिक करके लिस्टिंग स्टेटस पर जा सकते हैं। सेलर इस टूल का इस्तेमाल किसी भी समय कर सकते हैं जब वे नए ऑर्डर्स रोकना चाहते हैं। विभिन्न प्रोग्राम्स में एनरोलमेंट को देखने और बदलने के लिए आपकी सेवाएं सेक्शन में जाकर मैनेज पर क्लिक करें। इंडिविजुअल या प्रोफेशनल को चुनकर अपना सेलिंग प्लान बदलें। स्पॉन्सर किए गए प्रोडक्ट और अमेज़न द्वारा फुलफिलमेंट या FBA जैसे प्रोग्राम्स का स्टेटस देखें या बाकी प्रोग्राम्स में साइन अप करें जैसे कि अमेज़न पे। विभिन्न प्रकार की ऑपरेशंस की जानकारी देखने और बदलने के लिए आप सेलर अकाउंट की जानकारी पेज पर दूसरे कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने डिपॉजिट और चार्ज करने के तरीकों को अप टू डेट रखने के लिए पेमेंट जानकारी सेक्शन में मौजूद लिंक्स का इस्तेमाल करें। अपनी बैंक अकाउंट की जानकारी को हमेशा चालू रखना बहुत जरूरी है ताकि हम आपकी सेल्स का रेवेन्यू एक निश्चित साइकिल पर आपको भेज सकें। अपनी क्रेडिट कार्ड की जानकारी को भी चालू रखना बहुत जरूरी है ताकि आपको कोई सेटलमेंट या लिस्टिंग की परेशानी ना हो। बिजनेस सूचना सेक्शन में मौजूद लिंक्स का इस्तेमाल करके मुख्य ऑपरेशंस की जानकारी को देखें और बदलें। इनमें से कुछ जानकारियाँ जैसे कि आपके मर्चेंट टोकन को अमेज़न मार्केटप्लेस में नहीं देखा जा सकता। इसी तरह आपके बिजनेस का पता वो पता होना चाहिए जिसके तहत आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, या अगर आप एक अकेली एंटिटी हैं तो आपका वो पता होना चाहिए जहाँ से आप ऑपरेट करते हैं। अगला सेक्शन शिपिंग और रिटर्न जानकारी है जहां आप उन सेटिंग्स को देख और बदल सकते हैं जिन्हें आप ऑर्डर्स शिप करने और रिटर्न मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कस्टमर के ऑर्डर्स को खुद पूरा करते हैं जिसे हम सेलर या मर्चेंट फुलफिलमेंट कहते हैं तो आपको अमेज़न मार्केटप्लेस में आइटम लिस्ट करने से पहले दोनों प्रकार की सेटिंग्स की जाँच परख करनी चाहिए। अगर आप अपने सभी आइटम्स अमेज़न को FBA के द्वारा पूरा करने के लिए कहते हैं तो आपको शिपिंग सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन आपको रिटर्न की सेटिंग्स को चेक और कंफर्म करना चाहिए। शिपिंग सेटिंग पर क्लिक कर शिपिंग रेट्स और सेलर द्वारा पूरे किए जाने वाले ऑर्डर्स पर लगी रोक देखें जिसमें आपके भौगोलिक शिपिंग रीजन्स और सर्विस लेवल्स शामिल हैं। आपकी शिपिंग सेटिंग कस्टमर्स को दिखाई पड़ती है और उनके खरीदने के फैसले को प्रभावित करती है। शिपिंग सेटिंग आपके आइटम के फीचर्ड ऑफर बनने की संभावना को भी प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए फ्री शिपिंग ऑफर करना या ऐसी शिपिंग जो औरों की शिपिंग से तेज है, इसकी संभावना बढ़ा सकती है।
आपका अकाउंट जब पहली बार बनता है उसमें पहले से ही डिफॉल्ट शिपिंग सेटिंग्स होती हैं। आप उन्हें कस्टमाइज करने के लिए टेम्पलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उन जगहों को सेट कर सकते हैं जहां आप शिप करते हैं और उन जगहों के लिए सर्विस का स्तर चुन सकते हैं। आप शिपिंग सेटिंग्स का इस्तेमाल शिपिंग फीस कैलकुलेट करने का तरीका चुनने के लिए भी कर सकते हैं। आप हर आइटम या वजन के आधार पर या कीमत बैंड के मुताबिक में से चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन, खरीदी गई वस्तुओं की संख्या या उनके कुल वजन का इस्तेमाल करके कस्टमर शिपिंग कैलकुलेट करता है। दूसरा ऑप्शन, ऑर्डर की कुल राशि का उपयोग करके शिपिंग कैलकुलेट करता है। अगर आप शिपिंग सेटिंग्स बदलते हैं तो ध्यान रखें कि स्टैंडर्ड शिपिंग सभी सेलर्स के लिए जरूरी है। किसी भी एडिशनल सर्विस लेवल का चयन करने से पहले आप ये जरूर कंफर्म कर लें कि आप अपने वादे को पूरा कर सकते हैं। शिपिंग और रिटर्न जानकारी सेक्शन में रिटर्न एड्रेस पर क्लिक करके आप अपने सेलर फुलफिल्ड और FBA ऑर्डर्स को देख सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। सामान्य सेटिंग सेक्शन में आप हर देश के मार्केटप्लेस के पहले से सेट रिटर्न ऑथराइजेशन और रिटर्न लेबल की जांच परख कर उन्हें बदल सकते हैं और कस्टमर्स को उनके मुताबिक जरूरी रिटर्न के निर्देश दे सकते हैं। प्रस्ताव सेक्शन में आप रिटर्न लेस रेजोल्यूशन यानी वापसी रहित प्रस्ताव के लिए एक नियम बना सकते हैं। अपने रिटर्न पते को मैनेज करें सेक्शन में आप उन पतों को बदल सकते हैं जो आप मार्केटप्लेस में कस्टमर रिटर्न के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। और रिटर्न प्रोग्राम्स सेटिंग सेक्शन में अगर आप चाहें तो अपने सभी या कुछ आइटम्स के लिए फ्री रिटर्न का ऑफर देना चुन सकते हैं। ध्यान रखें कि आपकी सभी रिटर्न सेटिंग्स और जानकारी चालू हो ताकि आप आसानी से कस्टमर्स को सपोर्ट कर पाएं और कस्टमर का आप पर विश्वास बना रहे। याद रखें कि सभी सेलर्स जो सीधे ऑर्डर पूरा करते हैं उन्हें कस्टमर्स को 3 रिटर्न ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन देना होगा, घरेलू रिटर्न एड्रेस, प्रीपेड रिटर्न लेबल या रिटर्न लेस रिफंड। सेलर सेंट्रल में कुछ अन्य प्रकार की अकाउंट सेटिंग और जानकारी है जिसको आप देखना चाहेंगे। अमेज़न से मिलने वाले अलर्ट्स को बदलने के लिए गियर आइकन पर जाएं और नोटिफिकेशन प्राथमिकताएं पर क्लिक करें। नोटिफिकेशन विकल्प टैब के अंदर आप उन अलर्ट्स को चुन सकते हैं जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, जब भी आपको कोई ऑर्डर आएगा या जब सेलर द्वारा पूरे किए गए ऑर्डर पर रिटर्न का रिक्वेस्ट आएगा, आपको अलर्ट कर दिया जाएगा। अगर आप कुछ अलर्ट बंद करना चाहते हैं तो आप उन्हें वहां से हटा सकते हैं। संपर्क टैब के अंदर आप अलर्ट प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डिफॉल्ट ईमेल एड्रेस और फोन नंबर को बदल सकते हैं। इन डिफॉल्ट का इस्तेमाल एक तरह के नोटिफिकेशन के लिए अपने आप कर लिया जाता है, लेकिन आप दूसरों को अपने हिसाब से बदल सकते हैं। अगर आपको अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट से जुड़े ईमेल एड्रेस या पासवर्ड को बदलने की जरूरत पड़ती है तो गियर आइकन पर जाएं और लॉगिन सेटिंग पर क्लिक करें। आप सेटिंग ड्रॉपडाउन मेन्यू में शॉर्टकट का उपयोग करके सीधे अपनी शिपिंग और रिटर्न सेटिंग्स पर भी जा सकते हैं। यदि आपके पास एक प्रोफेशनल सेलिंग प्लान है और आप कस्टमर को गिफ्ट संदेश और गिफ्ट रैप के बारे में आपके द्वारा दी गई जानकारी को देखना या बदलना चाहते हैं, तो गिफ्ट के विकल्प पर क्लिक करें। गिफ्ट मैसेजिंग और रैपिंग सेवाएं अकाउंट डिफॉल्ट नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल सेलर्स उन्हें कभी भी शुरू कर सकते हैं जब भी वे कस्टमर्स को एक बेहतर खरीदारी का अनुभव देना चाहें। प्रोफेशनल सेलर गियर आइकन पर जाकर टैक्स सेटिंग पर क्लिक करके सेल्स के लिए अमेज़न की टैक्स कैलकुलेशन सर्विस को सेट कर सकते हैं और टैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। टैक्स कैलकुलेशन सर्विसेज को सेट करने से पहले हमारे टैक्स कैलकुलेशन सेवाएं हेल्प पेजेस को देखें। अगर आपको अपने टैक्स और उसके नियमों का पालन करने को लेकर सहायता की जरूरत है तो आप थर्ड पार्टी टैक्स सलाहकार को संपर्क कर सकते हैं। जब आप पहली बार एक सेलर के तौर पर रजिस्टर करते हैं तो सिर्फ आप ही अपना सेलर सेंट्रल अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल सेलर हैं तो आप अन्य लोगों को उस तक पहुंच दे सकते हैं, जैसे कि अन्य कर्मचारी, सह मालिक या कॉन्ट्रैक्टर। गियर आइकन पर जाएं, फिर यूजर अनुमतियां पर क्लिक करें। यूजर अनुमतियां पेज पर नए अकाउंट यूजर के लिए संपर्क जानकारी दर्ज करें
या मौजूदा यूजर के लिए सेटिंग्स मैनेज करें। जब आप किसी नए यूजर को इनवाइट करते हैं तो उन्हें अपने खुद के क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके आपके सेलर सेंट्रल अकाउंट तक पहुंचने के निर्देशों के साथ एक ईमेल प्राप्त होगा। चूंकि वे सेकेंडरी यूजर हैं, बहुत सारे टूल्स पर उनका एक्सेस आपके द्वारा दी गई परमिशन पर निर्भर करेगा। सेकेंडरी यूजर्स को आप किन्हीं निश्चित टूल्स को देखने और एडिट करने का एक्सेस दे सकते हैं। आप कुछ टूल्स तक उनकी पहुंच को रोक भी सकते हैं या उन्हें मालिकाना पहुंच भी दे सकते हैं, जो उन्हें दूसरों को टूल का एक्सेस प्रदान करने देती है। अगर आप कभी अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट के लिए वक्त के साथ बदली गई यूजर परमिशन को देखना चाहते हैं, गियर आइकन पर जाएं और यूजर अनुमति इतिहास पर क्लिक करें। याद रखें कि जब कई यूजर एक अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हों, तो व्यक्तिगत क्रेडेंशियल्स गोपनीय रहें। ये भी ध्यान दें कि सभी अकाउंट यूजर्स के एक्शन आपके अकाउंट की हेल्थ में योगदान करते हैं। गियर आइकन पर हावर करें, फिर उन पेजों की लिस्ट तक पहुंचने के लिए आपकी जानकारी और नीतियां पर क्लिक करें, जिनका उपयोग आप ग्राहक को अपने बिजनेस के बारे में एडिशनल जानकारी प्रदान करने के लिए कर सकते हैं। अपनी पब्लिक सेलर प्रोफाइल में जानकारी जोड़ने के लिए प्रोफाइल पर क्लिक करें, या अपनी शिपिंग नीतियों, प्राइवेसी नीति, गिफ्ट सेवाओं या टैक्स नीतियों के लिए कस्टम हेल्प पेज सामग्री बनाने के लिए एडिशनल लिंक्स का उपयोग करें। आप अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों या कस्टम मदद सामग्री के लिए भी एक पेज बना सकते हैं। यदि आप एक प्रोफेशनल सेलर हैं और अपनी सेलर प्रोफाइल में सर्टिफिकेशंस जोड़ना चाहते हैं, तो आप आपकी जानकारियां और नीतियां पेज पर अंतिम लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप रजिस्टर्ड छोटे बिजनेस हैं, तो राष्ट्रीय या राज्य डाइवर्सिटी सर्टिफिकेशंस जोड़ें। या यदि आपके प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि ISO द्वारा निर्धारित स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हैं, तो क्वालिटी सर्टिफिकेशंस जोड़ें। अंत में, यदि आप पूर्ति के लिए Amazon को प्रोडक्ट भेजते हैं, तो गियर आइकन पर जाएं, फिर FBA सेटिंग्स डैशबोर्ड तक पहुंचने के लिए फुलफिलमेंट बाय Amazon पर क्लिक करें। आप सेलर सेंट्रल में अन्य टूल्स का उपयोग करके किसी भी वास्तविक FBA शिपमेंट और इन्वेंट्री को मैनेज कर सकेंगे। मुख्य रूप से FBA इन्वेंट्री मैनेज करें और FBA शिपमेंट मैनेज करें, लेकिन आप अपने FBA ऑपरेशंस के लिए सामान्य सेटिंग्स की तुरंत जांच परख कर सकते हैं और अपडेट करने के लिए FBA सेटिंग्स का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप हमारे फुलफिलमेंट सेंटर्स नेटवर्क में आने वाली इन्वेंट्री के लिए सेटिंग्स को लागू कर सकते हैं और बदल सकते हैं, या आप कस्टमर्स को बार बार खरीदारी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए FBA के सब्सक्राइब और सेव प्रोग्राम के ऑप्शंस को लागू कर सकते हैं। आपके सेलर सेंट्रल अकाउंट को कॉन्फ़िगर करने पर हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम चाहेंगे कि आप अपने अकाउंट सेटिंग्स और जानकारी अप टू डेट रखें, ताकि आप अपने लिए और अपने कस्टमर्स के लिए एक बेहतरीन अनुभव को सपोर्ट कर पाएं। धन्यवाद, हम आपकी सफलता की कामना करते हैं।